इस बीच मैं फिलहाल मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हूँ। मेरे पीछे आप ताज होटल देख सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया देख सकते हैं, और मेरे साथ यहाँ पे कई ऐसे यंग बॉयज हैं जो कि सांगली मुंबई से जो 470 किलोमीटर दूर है वहाँ से वो दौड़ कर आए हैं। 20 नवंबर को उनकी ये जो दौड़ है शुरू हुई है, मशाल लेकर वो हाथ में आए हैं, और ये सभी ये जो लड़के हैं यहाँ पे मौजूद हैं, शहीद दौड़ इसे नाम दिया गया है। कुछ लोग इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय पाटिल, मैं सांगली का रहने वाला हूँ, सांगली अष्टे का। हम जब 2008 में दहशतवादी हल्ला हो गया 26/11 को, उन श्रद्धांजलि उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम इधर सांगली तो मुंबई इधर 470 किलोमीटर का प्रवास करके इधर आए हैं। हमने धूप में, बारिश में, और जब धूप होता है उसमें भी हम जो ज्योत है प्रज्वलित करके हम इधर तक पहुँचे। तो हमारा पहला दिन ऐसा रहा कि हम जब सांगली से निकले तब सांगली से बेटा तक हम उधर आ गए। 60 किलोमीटर का प्रवास करके उधर हम ठहरे शाम को। जब दूसरा दिन उधर से हम विटा से सातारा तक हम उधर आ गए। सातारा में वहाँ पर शिवाजी महाराज का एक संकुल है, उधर हम ठहरे थे। वहाँ से हम हमारे साथ जब 500-600 लोग शामिल हो गए सुबह तक तीसरे दिन, वहाँ पर हमने 10 किलोमीटर के मैराथन लगाई 600 लोगों के साथ, और उधर से हम 10 बजे से निकले थे। आप लोग जब सांगली से निकले तब कितने लोग थे, और फिर जब यहाँ मुंबई तक पहुँचे कितने लोग शामिल? हमने सांगली से निकले तब सांगली में 300-350 लोग शामिल हो गए थे। जब हम उधर से निकले तब बहुत लोगों का हमको प्रतिसाद मिल गया था, और बहुत लोगों ने हमको जो पानी है बहुत खाद्य पदार्थों की मदद की थी। कुछ और भी लोग हम बात मशाल आपने पकड़ी है, मैं देख सकती हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ये हमला हुआ था, आतंकवाद हमला काफ़ी भयानक था, और इसे अब 15 साल हो चुके हैं, आज आप यहीं इसी स्थल पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी में जो हल्ला हुआ था उसमें बारे में अमर सर ने हमें बोला था, जो हल्ला उससे हम सब जनों को हम देशभक्ति का कहना चाहता हूँ कि देशभक्ति करो, जाति विवाद में न भांड। हाँ, देश आपला हमारा देश हिंदुस्तान बड़ा है, और उसको बलाढ्य बनने के लिए हम सपोर्ट कर, जाति विवाद में अपन न बढ़े। हाँ। बहुत बड़ी बात कही है। क्या नाम है आप? आदर्श सबका। आदर्श ने बहुत अच्छी बात कही है। जिस तरीके से ये शहीद दौड़ आपने की है, इस किस संदेश के साथ आपने ये दौड़ की है, क्या मैसेज लेकर आप आए हैं? मेरा एक ही मैसेज है कि सब एक साथ जुटे रहे, और सब एकजुट रहे, जाति भेद नहीं करनी चाहिए, सब एक साथ रहे, यही संदेश देना चाहता हूँ। हाँ, यही है। आपकी तबीयत सबकी ठीक है? आप जिस तरीके से दौड़ के आए हैं तो आपको फिट हैं आप? हाँ, हम सब फिट है। हमारे साथ हमारे एक डॉक्टर भी है, देवदास सर उनका नाम है, वो भी हमारी देखभाल करते है। वो मशाल का क्या प्रतीक है? उस मशाल का यह प्रतीक है कि हम भी जब हल्ला हो गया उनको लगा थी इंडिया सबसे कमज़ोर है, लेकिन हम इसे बता सकते हैं कि हम भी ज्वलंत मशाल लेके वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, तब तक हम तुम्हारे घर भी पहुँच सकते हैं। ये हमको हाँ जिन्होंने हमला किया है वो उनको हम संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये जो मशाल है यहाँ पर फिलहाल स्थापित की गई है। 470 किलोमीटर का इन सभी लड़कों ने जो सफ़र है तय किया है, दौड़ जो है उन्होंने तय की है, और 26/11 ये जो एक काला दिन है हमारे इतिहास में, उसका आज जिस तरीके से आज ये दिन यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस बॉयज़ संगठन ने यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया था, इस श्रद्धांजलि में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे आपने, ये जो आज कार्यक्रम आयोजित किया था श्रद्धांजलि अर्पित, क्या संदेश देना चाहिए? महाराष्ट्र पुलिस बॉयज संगठन हर साल ये शहीदों को स्मरण करने के लिए ये प्रोग्राम करता है। ये प्रोग्राम खाली मुंबई गेटवे के पास नहीं होकर महाराष्ट्र के 33 डिस्ट्रिक्ट में उसका उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। हमने एक स्लोगन रखा है, ना जात के लिए ना पात के लिए, एक दिन पुलिस वालों के लिए, क्योंकि 365 दिन पुलिस वाले अपने लिए काम करते हैं, लेकिन एक दिन अपन अगर उनको एक गुलाब का फूल देके थैंक यू बोलेंगे तो उनकी प्रेरणा और बढ़ जाएगी, और अपनी सुरक्षा करने में उनको बहुत बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। मैं यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाला जो रस्ते पर ड्यूटी कर रहा है, वो जिसको उस नजरे से, जो यंग जनरेशन उस पुलिस वालों को जिस नजरे से देखती है, वो पुलिस कर्मचारी वैसा नहीं है, वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए। इसीलिए ये जो शहीद अधिकारी कर्मचारी हुए हैं,
उनके परिवार के लिए गवर्नमेंट ने कुछ तो भी करना है, पुलिस परिवार की ताकत बढ़नी चाहिए, इसलिए हम पुलिस फैमिली है पूरी, इस वास्ते हम महाराष्ट्र पुलिस बल संगठन के माध्यम से हर साल ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम अरेंज करते हैं। इसके पीछे का मोटिवेशन ऐसा है कि हर एक इंडियन ने, हर एक पुलिस वाले के पीछे जब खड़ा रहा तो मुझे नहीं लगता आतंकवादी, मैंने बोला आतंकवादी देखना तो दूर, मंदिर के बाहर से चप्पल भी कोई चुरा नहीं सकता। और इस हिसाब से मैं बोलता हूँ, जातिवादाला देऊ नका थारा, माणूस म्हणून जगू हाच नवानारा, भारतीय म्हणलं की हीच आपली जात आणि आपला धर्म, म्हणजे ह्या देशाचं रक्षण करणं, ह्या दोन गोष्टी जर घेतल्या तर आतंकवादी काय, आपल्या भारतामध्ये जे समाजकंटक जे घुसलेले आहेत, जे की आतंकवादाचं स्वरूप पण करतात, यांना पण चपराक बसेल। मी आपल्या मीडियाचे खरंच आभार मानतो, हा मॅसेज देशातील प्रत्येकाकडे पोचवावा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इन्होंने मराठी में जिस तरीके से कहा कि जातिवाद पर ध्यान न देकर जो इंसानियत है उस पर ध्यान देना है, एकजुटता पर ध्यान देना है। मैं अपना जो क्लोजिंग फ्रेम है मैं दिखाना चाहती हूँ, ताज होटल आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, और इसी ताज होटल के बाहर इसी दिन 26/11 के दिन बहुत ही बड़ा आतंकवाद हमला हुआ था, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बुरा दिन माना जाता है। 160 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और 300 से अधिक लोगों की इस हमले में वो घायल हुए थे। उसी जिस जहाँ जहाँ हमले हुए थे उस हमलों में से एक जगह ताज होटल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, रेलवे स्टेशन है, नरीमन हाउस है, ओबरॉय होटल है, ऐसे कई जगह थे जहाँ पे कई सारे आम लोग और जो जवान थे वो शहीद हुए और उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच आज मुंबई शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहाँ पर इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कैमरा पर्सन गजानन के साथ मैं लता शर्मा, ABP News मुंबई।